हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक्स। यहाँ पर यूएएफई चैंपियंस लीग का मैच हो रहा है मैनचेस्टर सिटी वर्सेस यंग बॉयज के बीच 1:30 बजे। एंड बात करें मेरा टेलीग्राम चैनल, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। और गाइस बढ़ते हैं आगे, देन बात करें इस मैच की। देखिए यूएएफई चैंपियंस लीग का मैच है, मैनचेस्टर सिटी एक तरफ है और एक तरफ होगी है यंग बॉयज। इन दोनों टीम्स के बीच जो लास्ट मैच हुआ था वो 3-1 के स्कोर से मैनचेस्टर सिटी ने इनको बीट कर दिया था, जो कि एक्सपेक्टेड था। जितने भी मैचेस पिछले दिनों यूएएफई चैंपियंस लीग के हुए हैं वो सारे ऐसे मैचेस थे जो हम पहले सोच के टीम बना सकते हैं, जिनके बारे में मतलब बिल्कुल ईजी। तो इस मैच की अगर मैं बात करूँ, देखिए यंग बॉयज़ अपनी लीग में तो बहुत अच्छी टीम है, लेकिन मैनचेस्टर सिटी तो फिर वर्ल्ड क्लास टीम आ जाती है ना। जबकि एक डोमेस्टिक टीम है प्रीमियर लीग की, तब भी ऐसा लगता है कि एक वर्ल्ड क्लास टीम का हम फेवर कर मतलब टीम बना रहे हैं, ऐसे ऐसे खिलाड़ी हैं इन पे। तो स्ट्राइकिंग की अगर मैं बात करूँ, देखिए मैं जाऊँगा स्ट्राइकिंग सेक्शन में। स्ट्राइकिंग के अंदर अगर देखा जाए तो यहाँ पर यहाँ पर एर्लिंग हॉलैंड जो पिछले मैच में फ्लॉप गया था, इनके खिलाफ नहीं कह रहा, प्रीमियर लीग की बात कर रहा हूँ, प्रीमियर लीग में थोड़ा फ्लॉप था ये बंदा, पता नहीं प्रीमियर लीग में क्या हो गया था इसके साथ। बेचारे ने गोल नहीं किया पिछले मैच में, जबकि इतनी हल्की टीम थी, आगे 6 गोल हुए थे इसमें, उसका एक भी गोल नहीं था। तो थोड़ी फॉर्म आराम से तलाश लेगा, ऐसा खिलाड़ी है, इसको दिक्कत नहीं आती। अगला जूलियन एल्वरेज, देखिए जूलियन एल्वरेज एक उभरता सितारा, दोनों ही उभरते सितारे हैं, एर्लिंग हॉलैंड भी और ये भी। हालांकि हॉलैंड को लोग कह रहे थे कि इस बार बैलन डी'ओर देना चाहिए था, लेकिन आपको बताऊँ कि जूलियन एल्वरेज इससे भी आगे निकलेगा हॉलैंड से। अब कई लोग बोलेंगे आप ये बात कैसे बोल रहे हो, मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली जूलियन एल्वरेज का डोमेस्टिक जो प्ले है वो हॉलैंड जैसा है ऑलमोस्ट, बट हॉलैंड के पास चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि फॉर्मेशन उसकी अच्छी है, ठीक है। सेकंड बात, एल्वरेज के पास कहाँ पे मौका है, एल्वरेज को इंटरनेशनल में जगह मिलेगी, मतलब नॉर्वे टीम बहुत पीछे है एज़ कम्पेयर टू अर्जेंटीना, क्योंकि जूलियन एल्वरेज अर्जेंटीना से है और इस बार की वर्ल्ड चैंपियन भी अर्जेंटीना ही थी फुटबॉल में। तो आप सब समझदार हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और आगे बात करें तो यहाँ पर देखिए मैं ना दो प्लेयर को खेलते देखूंगा, एक आएगा इनका जेन पियर, एक आएगा इनका अगला खिलाड़ी जिसका नाम है मैसचेक, तो मैं इलिया मैसचेक को लूँगा, ग्रेट प्लेयर है गाइस, पिछले मैच में भी गोल किया था। आगे से बात करें यहाँ पर है उग्रेनिक, इसको ज़रूर लेना है, अगर आपने एफ उग्रेनिक छोड़ दिया तो आपकी टीम गई, सही बता रहा हूँ। अगला है मेरा रॉड्रिगो हर्नांडिस। रॉड्रिगो हर्नांडिस ने पिछले मैच के अंदर भी इनके खिलाफ ज़ोरदार गेम प्ले दे दिया था, 2 असिस्ट की थी, पॉइंट इतने दे दिए थे कि गोल में भी ना मिले। और फिल फॉर्डन की बात करें तो फिल फॉर्डन ने पिछले मैच में प्रीमियर लीग में गोल लगाया था, बट उस मैच में ये एक सब्स्टिट्यूशन था जिसमें बी सिल्वा की बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन थी और झेडोकू की। तो मैं इन तीनों को लूँगा, आज मैं बड़ी अलग टीम बना रहा हूँ, वरना मैं डिफेंडिंग में हर बार मैनचेस्टर सिटी की जोर देता हूँ, लेकिन मैंने बहुत जोर देके देख लिया यार, दुख होता है यार जब हम एंड में हार जाते हैं। जब आपको पता है पिछला मैच इतना बढ़िया जा रहा था मेरा, मेरी टीम में हॉलैंड था, एल्वरेस था, मेरी टीम में हर्नांडिस शायद खेला होगा तो था, बी सिल्वा तो कन्फर्म था, बट मैंने डोकू छोड़ा, डोकू करके 3 असिस्ट और 1 गोल। अब आप खुद लगा लो मैं कहाँ से रिकवर करूँ यार, 100 पॉइंट हो ही नहीं सकते थे, 100 पॉइंट्स ये और गेम प्ले के अलग, 150 पॉइंट अचीव कर गया एक ही मैच में, तो डोकू तो अलग लेवल पे पहुंचा हुआ है। आगे से बात करें डिफेंडिंग की, अकांजी को लूँगा। अकांजी के बाद देखिए अगला खिलाड़ी बहुत ऑप्शन है, बट मेरी आप राय माने तो आपको ना मैं सही बता रहा हूँ, आपको एनाथन एक के साथ जाना चाहिए। एनाथन एक बहुत ग्रेट खिलाड़ी है, छोटे मैचेज में बड़े कारनामे करना जानता है, और उनकी बात करें देन यू गर्शिया से बेटर और कोई नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो रिस्की टीम है और रिस्की टीम में और रिस्क लोगे तो आपके ऊपर दबाव बढ़ेगा। बात करें यहाँ पर गोलकीपिंग की, तो यहाँ पर है रैकियोपी, रैकियोपी के साथ जाऊँगा, लेट्स सी कि एंथनी रैकियोपी कैसा खेलता है, बिकॉज रैकियोपी के अंदर क्षमता तो है, जैसे पिछले मैच में 13 में से 10 गोल सेव करना, तो इसको मैं अच्छा ही बोलूँगा, जहाँ अगर 2-4 में गलती कर देता तो वो बहुत गोल खाते ये लोग। बात करें कप्तान की, कप्तान है एर्लिंग हॉलैंड, वाइस कप्तान रॉड्रिगो हर्नांडिस, देन दिस इज़ माई टीम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।